डबल फाटक पुल पर अचानक उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सवारियों से भरा एक ई रिक्शा पुल से उतरते समय मोड़ पर पलट गया। गनीमत यह रही कि कोई भी घायल नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ही ई रिक्शा में फंसे सवारियों को सुरक्षित निकाला। जिस समय यह हादसा घटित हुआ उसी समय पुलिस अधीक्षक दलबल के साथ पुल से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने भी जब सवारी से भरे ई रिक्शा को पलटते हुए देखा तो वह भी वहां रुक गए और ई रिक्शा चालक की गलती को देखते हुए तुरंत ही ई रिक्शा को जब्त करने के आदेश दे दिए। देखने वाली बात यह रही कि जिस जगह यह हादसा घटित हुआ वहां पर लॉकडाउन में भी भोर काल से ही देर रात तक भीड़ का आलम बना रहता है। आप यहां पर आकर देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में आने जाने वालों की भीड़ को देखकर नहीं लगता कि महानगर मुरादाबाद में लॉकडाउन लगा हुआ है। इन तस्वीरों को देखने के बाद भी पुलिस प्रशासन कोई भी ठोस कार्यवाही इन घुमक्कड़ों के ऊपर नहीं कर रहा। अगर जल्द ही पुलिस प्रशासन द्वारा बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के साथ कोई सख्ती नहीं की तो कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने की सरकार की योजना असफल हो जाएगी और वे दिन दूर नहीं कि महानगर मुरादाबाद में दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव केसेस की भरमार होगी और जिसके जिम्मेदार हम स्वयं ही होंगे।